दीपक सिंह का कांता, इनके तरफ से 20 रुपए, नीरज सिंह, इनके प्रेम सबके भक्ति की जाए, ये सब दानदाताओं की जाए, सचंद्र की जाए, अरे नरपतिन पूछ मुझे जन जानी ताही अपना भगवान बोलते हैं जो संकोच के साथ में जो लंका को ऐसे जो दयालु प्रभु को छोड़ करके ऐसे किसानों छोड़ करके अगर जो दूसरे को भगते हैं कहते हैं कि वह जो है बिना पूछ और बिना काम क्या बोलते हैं ऐसे मनुष्य है बानर कुल जो है वहां पर बैठे हुए हैं उनको तो आ गया क्या है नीचे जो संख्या अंतिकाल की जय मीरा राजा नाम के नाम से 50 रुपए भगवान के घर में अंतर है रामचंद्र की जय भरत जियरा मचंद की मोहाई गए क्या खास बात है भोला श्रीमान 11 रुपए हमारे श्रद्धा भक्ति की जय भगवान के अनुभव के अवसर हुए सब राशि भगवान के अनुभव आपका पूरी करे जिसमें की आज धामदाताओं की जय नगर से रामचंद्र की जय समापन की ओर होगी जिसमें कन्या भोजन ब्राह्मण भोजन एवं गौ पूजा करके हम लोग उस कार्यक्रम में आज कौन शामिल हुए कार्यक्रम आज के कार्यक्रम में हमारे नगर निगम के महापौर किशोर राय जी शामिल हुए आरती में बहुत आनंद आया लोग किस तरह से सही थे इस कार्यक्रम को लेकर कितना ने अपने जीवन जब जब धरती माँ जन्म धरा चंदन माटी के तो एक भगवान के चरण कमल में अर्पण हुए हैं वेंकट भैया घनश्याम यादव के द्वारा उनकी श्रद्धा उनकी की जाए कोई संपदा करुणा
लोग को कथा तो सब सुना ही चुके हैं। भगवान राम जो है इस आयोजन में शामिल होने का अनुभव कैसा रहा, कैसा लगा यहाँ पर? अत्यंत हर्ष का विषय है कि आदर्श अखंड नवधा रामायण समिति द्वारा शानदार ये 23वां वर्ष है जो अखंड नवधा रामायण का यहाँ पे पाठ किया जाता है। और वास्तव में कलयुग में प्रभु का स्मरण भी जो है वो सबसे बड़ा कल्याणकारी मार्ग है, और ये अखंड नवधा रामायण के आयोजन के माध्यम से इस अंचल के समस्त मानस प्रेमी जन इसका लाभ उठाते हैं। मुझको भी बहुत ही हर्ष और आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं आज का पावन पर्व महाशिवरात्रि का भगवान भोलेनाथ की आराधना के साथ साथ भगवान श्री राम की आराधना का भी कार्य यहाँ पर हो रहा है। मैं इसके लिए अखंड नवधा रामायण समिति को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। साथ ही ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि न केवल इस क्षेत्र का बल्कि समूचे नगर भर में उनकी कृपा बरसती रहे, हम सब पर उनकी कृपा बरसे, जिससे हम सबका जीवन मंगलमय और